अनूप जलोटा बिग बॉस घर से बाहर आ चुके हैं। घर से बाहर आने के बाद उन्होंने कई सारे खुलासे किए हैं। हाल ही में उन्होंने जसलीन के पिता के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें उन्होंने शो से जुड़े कई सीक्रेट रिवील किए हैं और उन्होंने अपने और जसलीन के रिश्ते के बारे में भी मीडिया के सामने खुलकर बातचीत की है। अनूप जलोटा ने मीडिया के सामने जो खुलासे किए हैं उनको जानने के लिए देखिए ये वीडियो। मेरे साथ बैठे हैं श्री केसर मथारू जी जसलीन के पिताजी हैं और हमारे पुराने मित्र हैं। मुझे जसलीन का एक दिन फ़ोन आया, जसलीन हमसे गाना सीखती है, हमारी स्टूडेंट है, उसका मुझे फ़ोन आया कि बिग बॉस से उसको ऑफर आया। तो मैंने उसको कहा तुमको ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ जाने से तुम्हारा खूब नाम हो जाएगा। तो कहने लगी नहीं, उसमें एक अड़चन ये है कि वो विचित्र जोड़ी बना के ही मैं जा सकती हूँ। तो मैंने कहा किसी को ले जाओ, बहुत अच्छी बात है। तो उसने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप आइए। तो मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, इतने दिन इतने सारे कॉन्सर्ट छोड़ना ये सब करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। फिर उसने अपने पिताजी से फ़ोन कराया, फिर ये दोनों आ गए हमारे पास कि जी आप प्लीज़ समझिए आइए। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है चलते हैं, क्योंकि 2 साल पहले मैं बिग बॉस में जाने वाला था, मेरी सब बातें हो गई थी, सब तय हो चुका था, लेकिन मैंने उनके ऑफिस को कहा था कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर डेट्स कन्फर्म करिए, नहीं तो मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरे प्रोग्राम सब लगे हैं, सबको डेट्स चेंज करनी पड़ती मुझे कॉन्सर्ट्स की। तो उन्होंने 1.25 महीना लगाया मुझे डेट बताने में, तब तक मेरे बहुत बुकिंग्स हो चुकी थी और मैंने मना कर दिया। तो फिर मेरी जगह स्वामी जी को किया था, अगर आपको याद हो 2 साल पहले स्वामी जी उसमें आए थे। खैर अब अपनी बात पे आते हैं कि जब मैंने कह दिया कि हाँ मैं आऊँगा, तो ये तय हुआ कि गुरु शिष्य की जोड़ी, और ये भी बहुत विचित्र जोड़ी है क्योंकि मैं ट्रेडिशनल हूँ वो बड़ी मॉडर्न है, तो ये भी एक विचित्र जोड़ी अच्छी बन गई। और मैंने हाँ बोल दी, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, उसने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जसलीन ने। 1 हफ्ते रह गए थे बिग बॉस में जाने के, और बिग बॉस ने जसलीन को घर से बिग बॉस के सेंटर पे बुला लिया, उठा लिया वहाँ से 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ता पहले उसको आउट हाउस में बिग हाउस के ले गए। अब उसके पास फ़ोन भी नहीं, कुछ नहीं, उसको कांटेक्ट नहीं किया जा सकता, वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हमने कहा सब तय तो हो ही गया कि ये गुरु शिष्य की एक जोड़ी है, हम लोगों का तय हो चुका है और हम उसमें जा रहे हैं, ये हम लोगों ने आपस में जो तय किया। तो शो के दिन मैं वहाँ पहुँचा, ऊपर आके सबसे पहले मंच पे मैंने ऐसी लागी लगन गाया। ऐसी लागी लगन गाने के बाद में सलमान के पास पहुंचा, उनसे गले लगे और सलमान भाई ने मेरी थोड़ी तारीफ़ की। और उसके बाद मुझे पूछा कि आपके साथ और कोई नहीं आया, मैंने कहा नहीं आया, मेरे साथ जसलीन आई है जो मेरी स्टूडेंट है, मुझसे गाना सीखती है। उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन वो तो कुछ और कहती हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। और जसलीन आ गई, और जसलीन ने आके कहा कि मैं इनके साथ रिलेशनशिप में हूँ। मुझे बड़ा झटका लगा, मैंने उसकी तरफ देखा कि ये क्या हो गया, कहानी बदल गई, ये टीवी घर में देख रहे थे ये लोग सब अपसेट हो गए, हमारे परिवार में जो लोग देख रहे थे वो सब अपसेट हो गए, घबरा गए कि ये क्या हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो खैर जब मैंने देखा कि इसने ये कहा है, और वहाँ पर उस स्टेज पे ये कहने के बाद में 2 मिनट बाद हमको बिग बॉस के हाउस के अंदर जाना था, वहीं गेट होता है, तो मैंने कहा अच्छा अब इसने बोल ही दिया है तो यही निभाते हैं जब तक हैं अंदर, 2-4 हफ्ते अंदर हैं, ज़्यादा नहीं है, निभाते हैं। और हम और जसलीन हाउस के अंदर चले गए। 1.5 महीना मैं वहाँ रहा, बहुत खूबसूरत
डेढ़ महीना मैंने गुजारा। इस डेढ़ महीने में बहुत से लोगों से जान पहचान हुई, कुछ कॉमनर्स, कुछ सेलिब्रिटीज़। रोज़ हम वहाँ प्राणायाम करते थे, रोज़ सूर्य नमस्कार, रोज़ अपना रियाज, योगा। तो मेरा 4 किलो वज़न कम हो गया, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। 8 घंटे रोज़ सोने को मिलता था रेगुलर, जो मुझे 30 साल से नहीं मिला इस तरह सोना, मेरे कॉन्सर्ट्स और ट्रैवलिंग की वजह से। तो अगर मुझे वहाँ फिर से भेज दें, क्योंकि मेरा उनका कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर तक का है, मुझे अगर वो फिर बुला लें और 4 किलो मैं और कम करके आ जाऊँ, तो अगले सेशन का होस्ट मैं होऊंगा, सलमान खान नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो अब मैं वापस आया हूँ वहाँ से, तो वापस आकर जो सत्य बात है वो मैंने सबको कह दी। मैं इनसे भी मिला, इन्होंने भी कहा कि हाँ, हम लोग सब चौंक गए कि तय तो ये हुआ था कि गुरु शिष्य की तरह जा रहे हैं, ये क्या हो गया। इनसे भी जिन्होंने इंटरव्यू लिया है, इन्होंने भी वही बोला है जो मैंने बोला है, और जो जो मैंने बोला है अगर उसमें कोई एक वर्ड भी इधर उधर हो तो आप बता सकते हैं। सही बात है, यही बात तय हुई थी एक्चुअली, ये मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था, लेकिन अभी मैंने ये उसी फर्स्ट डे देखा था शो के दौरान, जब जसलीन ने आके इनको लव रिलेशन की बात की तो ये भी थोड़ा चौंक गए थे। इनके एक्सप्रेशन से मुझे लगा था कि इनको भी कुछ शायद पता नहीं है, लेकिन जब ये अंदर चले गए तो मुझे लगा कि लेट्स सी, अभी आने के बाद ही पता चलेगा कि इनको पता था कि नहीं पता था, लेकिन इनके एक्सप्रेशन से मालूम पड़ रहा था कि शायद इनको कुछ पता नहीं है, ये कुछ नई बात हो गई। अब ये क्या बात हुई है ये तो जसलीन के आने पे ही पता चलेगा, या मैं बिग बॉस में जाता हूँ, मैं वहाँ जाके बात करूँ, मैं पूछूँ जसलीन को कि ये नहीं क्या जाने देंगे, वो जाने नहीं देंगे। हो सकता है मुझे अंदर बुलाएं अभी, हो सकता है, क्योंकि बीच में एक बार कॉल आया था जब आप वहाँ थे तभी मुझे बुलाया था, कभी बुलाते हैं। हाँ, लेकिन फिर उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, बोलते नहीं इस हफ्ते नहीं, आपको नेक्स्ट वीक में देखते हैं। तो अगर बुलाते हैं मैं जाके पूछूंगा अभी ये क्या था, या बाहर आने के बाद फिर आप भी पूछिए, आप भी पूछिए, मैं भी पूछूंगा। तो अब जब जसलीन बाहर आएगी तो बाकी कहानी और पता लगेगी। मैं बाहर आया हूँ, मैंने जो जो था आपको बता दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट।